नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आज बात करूंगा आपसे जुड़ी एक ऐसी समस्या के बारे में जिसे प्रत्येक परिवार में एकाध पेशेंट जरूर मिल जाएगा, वो है तनाव। आज छोटा व्यक्ति हो या पढ़ने वाला स्टूडेंट हो या घर में छोटा बच्चा हो या माँ बाप हो, कहीं न कहीं तनाव की स्थिति से हम गुजर रहे हैं। तनाव के ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं, आर्थिक फैक्टर्स भी होते हैं, बेरोजगारी भी एक फैक्टर्स में आती है, जो चीज़ें हम चाहते हैं वो नहीं मिलती है और किसी से हिस्सा रखते हैं तब भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो तनाव के बहुत सारे कारण हैं, कोई लोग बीमार हैं, किसी बीमारी से पीड़ित हैं तब भी तनाव उत्पन्न हो जाता है, और लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है तब भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो तनाव दिन प्रतिदिन हमारे फास्ट जीवन, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें प्रत्येक लोगों को बढ़ रहा है, जिससे तमाम समस्याएँ बीमारियां आ रही हैं। तो अगर तनाव होगा किसी भी व्यक्ति को, उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, वो चिड़चिड़ा होने लगेगा, आपकी बातों को अनदेखा करेगा और आप पे गुस्सा हो जाएगा, आग बबूला हो जाएगा। तो ये सब तनाव के लक्षण हैं और उसे रात में नींद नहीं आएगी, वो बार बार चाय और काफ़ी की तलब उसे होगी। तो बहुत सारे लोग तनाव से निकलने के लिए काफ़ी और चाय की मदद लेते हैं, शराब की मदद लेते हैं, तो बिल्कुल ना लीजिए। ये चीज़ें हमारे शरीर में जा करके हमारे जो शरीर के अच्छे मिनरल्स हैं उन्हें डीएक्टिवेट करके या उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे जिंक है, मैगनीज है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, डेड कर देते हैं, विटामिन सी को ख़राब कर देते हैं, पोटेशियम को बर्बाद कर देते हैं। तो निकोटीन, कैफीन, शुगर, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर ना के बराबर लिया जाए या फिर ना ही लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हमारे शरीर में उन तत्वों को बाहर निकाल देते हैं जो तनाव से लड़ने में मदद करते हैं। तो खान पान, बेहतर एक्सरसाइज ज़रूर रखिए और एक अच्छा फ्रेंड बनाइए जो काफ़ी मोटिवेशनल हो, क्योंकि एक अच्छा फ्रेंड एक अच्छा मेडिसिन होता है। कहा जाए तो अच्छा अगर दोस्त है, आपको सुनने वाला है, अपने लोगों पे कोई बात शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कोई अगर दुख परेशानी तकलीफ है, उससे आपका तनाव कम होगा। ये तो आपके जीवन की बात हो गई। आपके घर के परिजनों में परिवार का साथ बहुत चाहिए होता है तनाव और डिप्रेशन की स्थिति से निकलने के लिए। तो आप कोशिश करिए, रेगुलर व्यायाम करिए, कोई ऐसा शौक पालिए जो आपके लिए बहुत बेहतर हो, जिसको आप एकदम प्रेम पूर्वक करना चाहें। मौज मस्ती करते रहिए, छुट्टियां मनाते रहिए, तमाम चीज़ें करते रहिए, जिसके वजह से सारी चीज़ें आपको परिवेश में अच्छी लगने लगेगी। पॉजिटिव थाट्स रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छे लोगों से संबंध रखिए, खुल कर हंसीए, खुल कर जीजिए, बस दूसरों की तकलीफ ना हो ऐसा जीवन जीजिए। तो कुछ होम्योपैथी में भी ऐसी दवाएं हैं जो तनाव को कम करती हैं और आपके जीवन को सुचारू रूप से बहुत बेहतर चलाती हैं। जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो अच्छी तरीके से सिक्रीट होते हैं, तो कभी हमें तनाव नहीं होता, हमारी जीवन शैली बेहतर होगी, खान पान अच्छा होगा तो समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे कार्टिजोन हार्मोन्स होते हैं जिनके उच्च लेवल होने की वजह से शरीर में हमारे शरीर में जब कार्टिसोन का लेवल बढ़ता है तो हमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो तनाव उत्पन्न ना होने पाए, हार्मोन बैलेंस हो, इसके लिए कुछ होम्योपैथी दवाएं हम बताते हैं। तो हमारे पास दो ऐसी बेस्ट दवाएं हैं जिसे हम अश्वगंधा बोलते हैं और जिनसेंग बोलते हैं। अश्वगंधा क्यू और जिनसेंग क्यू, ये दोनों दवाएं मदर टिंचर फार्म में अगर आप लेते हैं, इनको 10-10 बूंद की मात्रा आप इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका तनाव ठीक होगा और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा बढ़ेगी और तनाव से लड़ने की ताकत भी बढ़ेगी। तो आपको दोनों दवाओं को 10-10 बूंद की मात्रा मिक्स करके आप सुबह शाम दोपहर 3 टाइम लीजिए, तो ये जिनसेंग और ये अश्वगंधा आपके तनाव को कम करेगा, आपके शरीर में मानसिक थकान, शारीरिक थकान को भी दूर करेगा, एक नई ऊर्जा आपके शरीर में भरेगा और तनाव को बेहद कम कर देगा। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने ये इन दोनों दवाओं के परिणाम देखे हैं और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके बीमारियों से भी लड़ने में मदद करेगा। तो दो दवाएं हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तीसरी दवा है हाइपेरिकम पर्फ क्यू, एक ऐसी दवा है जो आपके शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है और आपके तनाव को कम करती है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, जहाँ पे रक्त नहीं पहुँचता, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके सुचारू रूप से रक्त के प्रवाह को बढ़ा करके आपके शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए मदद करती है, जिससे आपको तनाव कम हो।
एक तो ये दवा है जिसका नाम हाइपेरिकम परफ क्यू, मदर टिंचर फार्म है, होम्योपैथ में आप इसे ले सकते हैं। और एक दवा है कावा कावा, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको तनाव तो हो जाता है लेकिन रात में नींद नहीं आती है, तो कावा कावा एक बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर के तौर पे काम करती है। ये बिना किसी साइड इफेक्ट के मरीज में नींद लाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है, इसके बिना दुष्परिणाम के नींद लाती है और आसानी से पेशेंट सो जाता है। इसको 10-10 बूंद की मात्रा दिन भर में 2-3 बार लीजिए तो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये ध्यान रखना, इस होम्योपैथिक दवा को जो मदर स्तनपान कराती हैं और जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ हो, प्रेगनेंसी वाली मदर हो, उनको दे दवा नहीं देना है, उनके लिए नुकसानदेह है। तो आप उन लोगों को दीजिए जो तनाव से ग्रस्त है और उनको रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा तनाव है। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखे हैं, एक हफ्ते जाते जाते तनाव में भी आराम हो जाता है और जो नींद नहीं, अनिद्रा की समस्या है, उसमें भी आराम हो जाता है। एक लेवेंडर ऑयल आता है, लेवेंडर ऑयल भी तनाव कम करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप रूमाल में 10-20 बूंद डाल लीजिए, फिर आप नाक पे सूंघिए लेवेंडर ऑयल को, तो तब भी ये तनाव कम करता है। बहुत सारे पेशेंट्स को हम तकिए के पास उस तेल को छिड़कवा देते हैं तो वो पेशेंट, उसकी जब महक नाक में जाती है, उसका तनाव काफ़ी कम हो जाता है और उसे अच्छी नींद आती है, बिना किसी साइड इफेक्ट का वो पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जबकि एलोपैथी की दुनिया में अगर आपको तनाव है तो बहुत सारे नींद की गोलियां, ट्रैंक्विलाइजर्स, डाइजापाम, तमाम ऐसी दवाएं हैं जो खिलाते हैं और आपका इस प्रकार से सेहत भी ख़राब होता है और तमाम समस्याएं पैदा होती हैं, उनके ढेर सारे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। तो आप कोशिश करिए होम्योपैथी दवा का सहारा लीजिए। पहली दवा आपका है जेंसन क्यू, अश्वगंधा मदर टिंचर, हाइपेरिकम पर्फ क्यू, लेवेंडर आयल, कावा कावा क्यू, ये सब दवाइयां हैं, बहुत बेहतर काम करती हैं आपके तनाव को कम करने के लिए। एक दवा है आसिमम सनेक्टम, जिसे हम तुलसी कहते हैं, इसका मदर टिंचर भी तनाव कम करने में बहुत बढ़िया मदद करता है। कुछ आयुर्वेद की भी दवाएं हैं जो आपके तनाव को कम करती हैं, जैसे मेंटेड के नाम से आता है हिमालय कंपनी में सिरप, आपके ब्रेन को मजबूत करता है और आपकी याददाश्त शक्ति को भी बढ़ाता है, तनाव को भी कम करता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और ब्रेन को बेहतर मजबूत करता है। और एक है सरस्वती रिष्ट, जो बैद्यनाथ या डाबर कंपनी बनाती है, ये भी आपके ब्रेन को तनाव से बचने में बहुत मदद करता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरस्वती रिष्ट बहुत अच्छा है और आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तनाव, अनिद्रा और इंसोमनिया या तमाम प्रकार की ऐसी समस्याएँ जो बहुत सारे लोग होते हैं, थकान के लक्षण जैसा महसूस होता है, जो तनाव में होते हैं उनको लगता है शरीर में कोई जान नहीं है, हमेशा निगेटिव थिंकिंग्स दिमाग में चलती रहती हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, दिल के दौरे पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा तनाव लेने की वजह से, बीपी हाई लो हो जाती है बहुत ज़्यादा तनाव लेने की वजह से, अनिद्रा हो जाती है, माइग्रेन हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो ये सारे लक्षण जो हैं तनाव के हैं। आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव ले रहा हो, उसको एक बेहतर माहौल दीजिए, खान पान अच्छा करिए, उसको कॉमेडी मूवीज़ या कॉमेडी कुछ चीज़ें ऐसी जो हंसी वाली चीज़ें हों, चुटकुले हों, सुनाइए, एक बेहतर माहौल दीजिए, उसे तनाव से निकालने के लिए मदद करिए, क्योंकि वो आपका एक परिजन है जो उसे तनाव बार बार रहने की वजह से तमाम बीमारियाँ बनने लगेंगी। तो परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है तनाव से निकलने के लिए, आप लोग साथ दीजिए। कुछ होम्योपैथ दवाएं जो विदाउट साइड इफेक्ट की हमने जो बताई है, चिकित्सकीय देख रेख में उसको अगर पेशेंट को देते हैं तो जल्दी, बहुत जल्दी सुधार होगा। और अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।